हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जेमोपाई कंपनी के इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में, जिसका मॉडल है एस्ट्रॉइड लाइट। और आज हम जो इसका पूरा रिव्यू करेंगे, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। इसमें हम जानेंगे कि ये कितने की जो है, कितनी रेंज देता है और कितनी स्पीड में दौड़ता है और क्या क्या इसके अंदर फीचर हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर हमारे वीडियोज आपको अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, अब जो है हम सबसे पहले इसके फ्रंट प्रोफाइल की बात करते हैं। तो इसमें जो है इंडिकेटर ऊपर दिए गए हैं और नीचे इसके हेडलाइट दिए गए हैं कुछ इस तरह के, जो बहुत ही मतलब एक प्यारे लुक के साथ इसके इंडिकेटर, ये जो हेडलाइट है वो दिया गया है। और अब हम इसके बात करें आगे वाले टायर की, तो इसका टायर जो है वो ट्यूबलेस टायर है और यहाँ पे आगे इसमें पावर ब्रेक दिया गया है। और यहाँ पर भी इसके काफ़ी अच्छा स्पेस है, अगर आप इसे जो है ऑफ रोडिंग के भी करते हैं, जैसे काफ़ी एरिया ख़राब है, रोड ख़राब है, वहाँ पे भी जो है अच्छे से इसमें स्पेस, यहाँ पे इसको स्पेस मिल जाता है। अब हम बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की, तो इसके साइड दोनों साइड में सेम ब्रांडिंग दी गई है। यहाँ पे जो है इसका मॉडल ब्रांडिंग दी गई है और यहाँ पे इसके मॉडल नंबर लिखे हुए हैं, तो सेम है। इस तरफ भी यही लिखा हुआ है, एस्ट्रॉइड लाइट इसका मॉडल लिखा हुआ है। और अगर इसके लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो सेम वही दिया गया है। दोस्तों, अब हम जो है इसके रियर प्रोफाइल की बात करते हैं, तो इसकी जो रेड लाइट है उसी के पास में इसके दोनों इंडिकेटर दिए गए हैं, अंदर ही दिया गया है। और इसकी अगर अब हम जो है मोटर की बात करते हैं और पीछे वाले टायर की बात करते हैं, तो मैं आपको बता दूँ इसकी जो मोटर दी गई है वो 2400 वाट की, इसकी 2400 वाट पावर की मोटर दी गई है इसके अंदर। और इसका जो पीछे वाला टायर है वो भी ट्यूबलेस टायर है। तो दोस्तों, अब हम जो है इसके अंदर देखते हैं कि इसकी जो डिग्गी आती है वहाँ उसमें कितना स्पेस है और इसमें क्या क्या यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले तो इसका जो चार्जर है वो कुछ इस तरह का आता है, जो कि 72 वोल्ट का चार्जर आता है, क्योंकि इसकी जो बैटरी है वो 72 वोल्ट की आती है। और यहाँ पे इसमें जो स्विच दिया गया है वो इसका मेन स्विच कंट्रोल है। यहाँ से अगर इसको हम ऑफ कर देते हैं तो इसमें कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी का कंट्रोल जो है बंद हो जाता है। तो अभी हम इसको वापस ऑन कर देते हैं। और इसकी बैटरी मैं आपको बता दूँ, इसकी बैटरी जो है इसके नीचे दी गई है कुछ यहाँ पे, यहाँ देख सकते हैं इसकी बैटरी यहाँ दी गई है, ये 72 वोल्ट की बैटरी है इसके अंदर। और इसकी बैटरी की अगर चार्जिंग टाइम की बात करते हैं तो अप्रोक्स कंपनी जो है इसका 3 से 4 घंटे का चार्जिंग टाइम इसका बताती है। और अगर इसमें हम जो है स्पेस की बात करें तो इसमें काफ़ी अच्छा स्पेस दिया गया है, यहाँ पे आप अपना काफ़ी सामान जो है इसके अंदर कैरी करके रख सकते हैं। वैसे तो इसका चार्जर जो है इसमें काफ़ी स्पेस कवर कर लेता है, उसके बाद भी वैसे देखा जाए तो इसमें काफ़ी स्पेस बचता है। और दोस्तों, अब हम जो है इसकी की बात करते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की आती है, जो कि 4-व्हीलर वगैरह में आती है ना, कुछ इस तरह की इसमें की दी गई है। इस की के अंदर बात करते हैं, इसमें 4 की आते हैं, इसमें लॉक का, अनलॉक का और हॉर्न का आता है। और एक दूसरा हम इसी से जो है इसको स्टार्ट भी कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि ये बंद है, यहाँ से दिखा दीजिएगा एक बार, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बंद है। और मैं इससे अगर इसको यहाँ से डबल प्रेस करता हूँ तो अब हमारी गाड़ी जो है स्टार्ट हो चुकी है। अब हम इसे जो है यहाँ से एक्सेलेटर से चला के इसको ले जा सकते हैं, इसमें की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और दोस्तों, इसके अंदर इसका जो पूरा सिस्टम दिया गया है वो कंप्लीट चिप सिस्टम है, और इसके अंदर जो आप देख सकते हैं पूरा डिजिटल है ये। यहाँ पे स्पीड बताता है, यहाँ पे अभी जैसे ये 100% चार्ज है तो यहाँ पे ये इसका चार्जिंग बताता है, और इधर स्पीड के डॉट्स यहाँ पे दिखाई देते हैं। यहाँ पे हम जो है जब एक बार बंद करके स्टार्ट करते हैं तो कितनी ट्रिप हुई है वो यहाँ पे बताता है। और अभी जो है ये 1872 किलोमीटर चल चुका है, जो कि मेरा खुद का भी चलाया हुआ है, सेल्फ टेस्टेड है ये। और दोस्तों, इसके अंदर आपने एक चीज़ थोड़ी सी अलग दी गई है, यहाँ पे जो है जैसे अपन पूरा और जो स्कूटर देखते हैं ना पेट्रोल वाले, उनमें यहाँ पे स्विच बटन स्टार्ट करने का बटन आता है, लेकिन इसमें दोनों तरफ हॉर्न दिया गया है, यानी कि दोनों तरफ से इसमें हॉर्न बजा सकते हैं अपन। और कुछ इस तरह के इसके अंदर जो है साइड इंडिकेटर के लिए दिया गया है, इसमें प्रेस करने का आता है अलग से, अगर इंडिकेटर बंद करना हो तो यहाँ से प्रेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ये कितने की स्पीड में दौड़ता है और कितने किलोमीटर का इसका एवरेज रहता है। तो इसके अंदर जो है 3 मोड पे ये चलता है। फर्स्ट मोड के अंदर जो है ये 35 की स्पीड में दौड़ता है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें यहाँ से हम जो है इसमें मोड चेंज कर सकते हैं,
यहाँ पे अगर हम इसे जो है इकोनॉमी स्पीड में चलाते हैं तो ये जो है 35 की स्पीड में दौड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आप इसे इकोनॉमी मोड में चलाते हैं तो ये 200 किलोमीटर का एवरेज आपको देगा, नेट 200 किलोमीटर का, क्योंकि ये चीज़ तो मैंने खुद ने भी टेस्ट करके देख ली है। और अब अगर इसे हम जो है सेकंड मोड पे चलाते हैं तो सेकंड मोड के अंदर ये 45 टू 50 की स्पीड में दौड़ेगा और उसमें इसका एवरेज रहेगा 150 टू 160 के आसपास इसका एवरेज नेट रहेगा, बट 150 से नीचे तो नहीं आएगा, 150 प्लस ही रहेगा। और थर्ड मोड में अगर बात करते हैं इसकी, तो थर्ड मोड के अंदर ये जो है 65 टू 70 की स्पीड में दौड़ेगा, अगर फुल चार्ज रहती है ये तो उसके अंदर ये है 70 की स्पीड कवर करेगा। और अगर जैसे 50 या 60 से नीचे अगर इसकी बैटरी आती है उसके बाद में जो है 65 तक ये दौड़ेगा। उस स्पीड के अंदर इसकी जो रेंज है वो लगभग 110 से 120 किलोमीटर की रहेगी, जो मेरे हिसाब से अब तक किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर में नहीं दी गई है। आई थिंक अभी जो काफ़ी इलेक्ट्रिक स्कूटर आ रहे हैं उनमें जो है 100 के अबाव ही है जो इसका एवरेज रहता है, 100 के अबाव ही रहता है, लेकिन इसके अंदर 100 प्लस का ये एवरेज रहता है, इसका 100 से 200 का इसका एवरेज है। तो दोस्तों फाइनली अब जो है हम इसकी प्राइस की बात करते हैं, तो इसकी ऑन रोड प्राइस जो है वो 1,17,000 रुपये पड़ती है, और जिसके अंदर आपके GST और जो इंश्योरेंस वगैरह है वो सब कुछ कवर होके आएगा, ये 1,17,000 रुपये आपको ऑन रोड पड़ेगी। और दोस्तों आप इसके बारे में अगर और कोई डिटेल जानना चाहते हैं, ये इसके बारे में अगर कुछ भी आप जानना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको जो है इसके जेमोपाई इलेक्ट्रिक शोरूम के आपको कॉन्टैक्ट नंबर और वहाँ की डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके आप इसके बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आप सभी को कैसा लगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस और भी लेके आता रहूंगा। बाय बाय, टेक केयर।